बड़ी फीलिंग्स हैं कराची के साथ, रहे कराची में पले बड़े और यहीं पे पढ़े, और कराची से बड़ी एसोसिएशंस हैं, बड़ा मिस करूंगा मैं कराची को। और अभी फ़िलहाल तो मिलना मिलाना चल रहा है दोस्तों से, और बहुत मुलाकातें थी, बहुत सारे लोगों से मिलना था, कुछ से मिल लिया कुछ से नहीं मिल सका, तो इस तरह से टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला तैयारी करते करते। लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह वापस आएंगे जल्द कराची वालों, और फिर कराची का लौंडा आके कराची में छा जाएगा। अच्छा, गेम कुछ ऐसी है कि मैं भी आया हुआ हूँ इश्ती से मिलने, और इश्ती स्पेशली कश्मीर से मिलने आया है मुझसे, और मेरे बड़ा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, सब ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा मुझे चैनल के लिए भी, और वैसे भी लाइफ में, एजुकेशन में, और अप्स एंड डाउन्स में, हर जगह सपोर्ट किया। और इसी तरह मैं स्टोरीज अपनी बताता रहूँगा, बहुत सारी बातें बताने को आप लोगों को इस चैनल के ज़रिए, तो आई शेयर ऑल द स्टोरीज़ विद यू। एंड मैं अपने दोस्तों से जब जब मिला करूँगा तो आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊँगा, उनकी स्टोरीज़ शेयर करूँगा। और अभी तो मैं आया हूँ इश्ती से मिलने, और बहुत ही कोई अमेजिंग कैरेक्टर है, और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ उससे, तो बड़ा सीन ऑन होने वाला है। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो इश्ती कह रहा है कि मैं इस होटल में हूँ, और देखें ज़रा इश्ती को पकड़ते हैं होटल में, छापा मारते हैं क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है होटल में। तो इश्ती को पकड़ते हैं होटल के अंदर, ये कह रहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और ये नजर आ गया है मुझे कमीना। कैसा है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक यार, मजे में यार, यार, यार कसम से तेरे को समझ ही नहीं आ रही वीडियो बन रही है। ओ यार क्या बात है, ये दादा चैनल लॉन्च हो गया भाई, ना कर यार दादा, माशाल्लाह यार, तो उम्र को भी इसमें करना, उम्र के बाद तो मजा नहीं आएगा बगैरत भाई, ऐसे ही है इसका, यही सीन है, गालियाँ बहुत देता है ये, बगैरत है ना इसलिए। अच्छा भाई, सीन ये है कि हम आ गए इश्ती के पास, और ये ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर, यार तू कश्मीर से मिलने आ गया भाई से, यार दादा तू भाई से कश्मीर से, दोस्ती ये होती है यार, दोस्ती के लिए बंदा कहीं भी जा सकता है, ये तो है, दोस्त के लिए कहीं भी जा सकता है, ये तो है, ये तो है। तो इसलिए मैं बहुत मिस कर रहा था। मुझे एक और बात भी याद आई है कि मैं जिस तरह कामी से मिलने गया था अहमदाबाद, एक बार याद होगा तेरे को, ये बात है ईद पे, ऐसे ही है बिल्कुल, वही सीन तूने कर दिया। बस मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, चूंकि बहुत मिस करूंगा, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है कराची में, मेरा एक ही दोस्त है, वो है वकास रोडे, कोई और दोस्त नहीं है, मैं ना किसी को मिलाना चाहता हूँ, बड़े बगैरत और मतलबी लोग होते हैं, लेकिन वकास जो है वो फिट बंदा है, और वो दोस्ती के लिए बिल्कुल तू भी फिट है। You're gay! He's gay! I'm not gay. He's gay! और यही लाइफ का लेसन है सबके लिए, और वाकई में यार मैं भी मिस करूंगा तुम सबको कराची में, और ये मोमेंट्स हैं हम कैप्चर करेंगे, और बड़ा याद आएगा यार, ऐसा ही ऐसा ही। लेकिन चलो यार, ये लाइफ का पार्ट है, ये भी एक मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि मैं भी एक चेंज मेरे लिए आएगा, और आई थिंक चैलेंजेस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये आप यही से इंसान का होता है कि जब लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं तो कुछ बनता है वो। और आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, अपने निकलना पड़ता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, क्योंकि एक जगह से होता है कि कहते हैं कि भाई एक आप अगर मुल्क भी चेंज करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, तो आई होप कि मेरे लिए भी अच्छा होगा सफर, वसीला जफर, अल्लाह पाक बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बहुत बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। इश्ती से मुलाकात करते हैं, बर्गर खाएंगे हम इश्ती के साथ बैठते हैं, और उसके बाद फिर वीलॉग को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इश्ती कैसा है बर्गर? वीआईपी ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा यार, इसका टेस्ट अच्छा होता है, मुझे बड़ा पसंद है, मैं तो छोटा सा था जब इतना सा खाता था, और अब जो है ये है कि जाते जाते कराची से हम विदा कर रहे हैं बर्गर खाते खाते, सही है, कराची को अल्लाह हाफिज़, इश्ती अंटिल नेक्स्ट टाइम, इश्ती बॉय।
now. So here we go, Karachi, finally. Goodbye, Karachi. Or at the airport, just entering inside my lounge for the waiting. Finally, lounge mein aa gaya hoon, janab. Aur kafi garmi lag rahi hai, kafi mushkil raha saman ke saath sara saman carry karna. Kal se pura jaag raha hoon, soya bhi nahi hoon, isliye thakavat hai. To thoda relax karte hain. Uske baad Dubai pahunch ke aapse gupshup hogi. To finally Karachi, yahan se ikhtitam hua mere journey ka aur inshaallah ek naye journey ka aagaaz hone ja raha hai. और आई होप कि ये जर्नी इंशाल्लाह लाइफ के लिए बहुत चेंजिंग होगा, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग होगा. ट्रैवल मिलेगा, कल्चर नया होगा, नए लोग होंगे, नई लैंग्वेज, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह. और आई होप कि आप लोग भी ट्रैवल करें इसी तरह. थैंक यू. बाय बाय कराची, कराची का लौंडा. लाइक करें और सब्सक्राइब करें.